हेलो एवरीवन वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ट्री व्यू को कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं ठीक है जी अपना एक नया फॉर्म क्रिएट करेंगे सबसे पहले इसमें हम ट्री व्यू ऐड करेंगे हम नोड्स ऐड करेंगे लर्न टू कोड नाउ ठीक है जी इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो ये हमारी पहली नोट ट्री में ऐड हो चुकी है ट्रिक्स ठीक है जी ये मैंने यहाँ पे नोट टू में ऐड किया इसको एग्जीक्यूट करेंगे ये जी आपका ट्री व्यू आपके पास आ चुका है हेलो एवरी वन वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम सी शार्प लैंग्वेज में विजुअल स्टूडियो को यूज़ करते हुए ट्री व्यू को कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं ठीक है जी तो ये आपकी स्क्रीन पे विजुअल स्टूडियो का प्रोग्राम डॉट सी एस ओपन हुआ है नेक्स्ट हम सोलूशन एक्सप्लोर में जाएंगे यहाँ पे अपना एक नया फॉर्म क्रिएट करेंगे एड विंडोज फॉर्म ठीक है जी इस फॉर्म का नाम होगा ट्री व्यू वन ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है ठीक है जी सबसे पहले इस पर हम ट्री व्यू ऐड करेंगे ये आप देख रहे हैं टूल बॉक्स के अंदर यहाँ पे ट्री व्यू है ये ट्री व्यू हमने ऐड कर लिया है ठीक है जी ट्री व्यू का आप अप साइज़ अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं सबसे पहले हम नोड्स ऐड करेंगे नोड कहते हैं जो मैं अभी ऐड करूँगा आपको समझ आ जाएगा कि नोड किस तरह ऐड होती हैं हम फॉर्म के ऊपर राइट क्लिक करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे यहाँ पर आपके पास इवेंट्स में जाकर फॉर्म लोड जब जैसे ही फॉर्म लोड हो तो हम पहली नोड ऐड करेंगे ठीक है जी कैसे नोड ऐड करेंगे हमारा है ट्री व्यू का वेरिएबल नेम है या इसका वेरिएबल नेम चेंज कर लेते हैं वेरिएबल नेम हम रखते हैं ट्री व्यू का हम इसका नाम रखते हैं माय ट्री व्यू ठीक है जी ये हमारा वेरिएबल नेम हो गया इसका अब हम जाएंगे फॉर्म डॉट लोड के फंक्शन में ये आपका फॉर्म जो है वो लोड का फंक्शन है ट्री व्यू डॉट सबसे पहले हम इसके अंदर नोड ऐड करेंगे ठीक है जी मैं आपको एक नोड ऐड करके दिखा दूँगा नोड कैसे ऐड होती है उसके बाद फिर हम ट्री व्यू जो है वो मल्टीपल केसकेट स्टाइल में नोड्स ऐड करेंगे ठीक है जी माई ट्री व्यू डॉट नोड्स डॉट ऐड ये जी आपकी पहली मेन नोड ऐड हो चुकी है इसमें मैं लिख रहा हूँ जी अपने चैनल का नाम लर्न टू कोड नाउ ठीक है जी इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है आप देख रहे हैं इसका प्लस का साइन इसलिए नहीं है कि इसके नीचे कोई भी और सब नोड ऐड नहीं हुई हुई ठीक है जी तो ये हमारी पहली नोड ट्री में ऐड हो चुकी है अब हम फर्दर इसको आगे देखते हैं अब हम नेक्स्ट इसके अंदर हम तीन नोड्स ऐड करते हैं ठीक है जी इसको यहाँ से वेरिएबल नेम को कॉपी करेंगे हम ठीक है जी डॉट नोड इसकी आप जीरो इंडेक्स पे आप एक और नोड ऐड कर रहे हैं डॉट ऐड ठीक है जी इसमें हम अपनी प्लेलिस्ट का नाम लिखते हैं जो हमारी पहली प्लेलिस्ट है वो है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग ठीक है जी इसी तरह ही हम इसके अंदर हम तकरीबन कोई तीन नोड्स ऐड कर लेते हैं इसकी जीरो लोकेशन पे ठीक है जी दूसरा हम लिखते हैं जी आपका विजुअल प्रोग्रामिंग और तीसरी जो सब नोड हमने ऐड की है वो है प्रोग्रामिंग टिप्स ठीक है जी इसको हम रन करते हैं ये देखें जी अब आपकी ये मेन नोड है लर्न टू कोड नाउ इसको जब हम फर्दर ओपन करेंगे हमारे पास तीन नोड्स आ चुके हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग विजुअल प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग टिप्स अब हम फर्दर जो सब नोड्स हैं इनकी हम जो तीसरे टीयर पे और इसकी सब नोड्स हम ऐड करेंगे ठीक है जिस तरह लर्न टू तो कोड नाउ में हमने ऐड किया सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग विजुअल प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग टिप्स अब सी प्लस वस प्रोग्रामिंग में फर्दर टू और नोड्स ऐड करेंगे विजुअल प्रोग्रामिंग में फर्दर टू नोड्स ऐड करेंगे और प्रोग्रामिंग टिप्स में एक नोड और ऐड करेंगे ठीक है जी अब हम आगे इसको मजीद देखते हैं जी अब हम C प्लस और प्रोग्रामिंग में मजीद जो है वो दो नोट्स और ऐड करेंगे यहाँ तक हम इन सारे को कॉपी करेंगे पेस्ट डॉट नोट्स जीरो डॉट नोट्स डॉट ऐड ठीक है जी इधर हम पहले टीयर पे हम ऐड करते हैं जी C प्लस और प्रोग्रामिंग में क्या है जी मैं कहता हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर्स और नेक्स्ट मैं ऐड करता हूं डेटा बेसिस ठीक है जी यह yeah, फर्दर इसके अंदर दो ऐड हो गई नेक्स्ट हम इसकी तरफ आते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम दो ऐड करते हैं नोट्स ये आप देख रहे हैं इसमें हमने वन लिख दिए क्योंकि आप दूसरे टीयर पर जा रहे हैं जी यहाँ पर आपने जो विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर हम दो मजीद ऐड करेंगे एक हम ऐड करेंगे यूजर इंटरफेस और दूसरा हम ऐड करेंगे बैकहड ठीक है जी अब नेक्स्ट हम आ गए जी आपके प्रोग्रामिंग टिप्स एंड इसमें इसमें हम एक ऐड करते हैं इधर हम कहेंगे इसको नोड्स टू डॉट नोड्स और यहाँ क्या होंगे इधर होंगे प्रोग्रामिंग वीलॉग्स ठीक है जी ये हमने कैसके स्टाइल बना लिया है इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है ये एग्जीक्यूट हुआ है जी आपके पास आपके पास मेन जो है वो लर्न टू कोड ना हुआ इसके अंदर मजीद देखेंगे सी प्लस प्रोग्रामिंग है इसको खोलेंगे तो मेरे पास डाटा स्ट्रक्चर जो तो डाटा बेसिस आ गया विजुअल प्रोग्रामिंग को ओपन करेंगे मजदीद यूजर इंटरफेस और बैक एंड है प्रोग्रामिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को खोलेंगे तो हमारे पास आता है वीलॉग्स ठीक है जी अब मैं आपको इधर एक एंड पर मज़ीद एक प्रोग्रामिंग टिप्स के अंदर एक और हम आ, सब नोड ऐड करते हैं ठीक है जी यहाँ पर हम इसके यहाँ पर हम इसकी सेकंड एक और चीज़ ऐड करेंगे ट्रिक्स ठीक है जी ये यह मैंने यहाँ पे नोट टू में ऐड किया इसको एग्जीक्यूट करेंगे ये जी आपका ट्री व्यू आपके पास आ चुका है जिसमें C++ में देटा देटा प्रोग्रामिंग में डाटा स्ट्रक्चर्स डाटा बेस विजल प्रोग्रामिंग में यूज़र इंटरफेस बैकएंड एंड प्रोग्रामिंग टिप्स एंड ट्रिक्स में वी लॉग्स एंड ट्रिक्स ये जी आप देख सकते हैं ये आपका ट्री व्यू बन चुका है आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा मजीद एक्साइटिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें सब्सक्राइब करें फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें ताकि हम नॉलेज को मजीद स्प्रेड कर सकें थैंक यू सो मच